तो गुड मॉर्निंग, फिर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल में, वेलकम इन मास्टरमाइंड में। रोज की तरह कुछ आज भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आ गया हूँ, तो वीडियो पे बने रहिए। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा आपका हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। तो आप इस वीडियो पर इसलिए आए होंगे कि आपको यूट्यूब ने पैसा भेज दिया होगा, आपका एडसेंस ने पैसा आपके अकाउंट में भेज दिया होगा, मतलब एडसेंस अकाउंट में आ गया होगा, लेकिन आपके बैंक में पैसा वो अभी तक नहीं आया होगा। और आपने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे जाके कि आपका पैसा बैंक से, वहाँ से तो YouTube ने रिलीज़ कर दिया है, एडसेंस के पास तो आ गया है बैलेंस, लेकिन जब वो 21 को पैसा आता है, 21 हर महीने के 21 तारीख को पैसा रिलीज़ कर दिया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि 5 या 6 दिन के बाद आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, लेकिन YouTube के द्वारा वो पैसे आपके अकाउंट में नहीं आए हैं, बैंक में अभी नहीं आए हैं। तो उस पर ही वीडियो मैं बना रहा हूँ, क्यों नहीं आए हैं। तो वीडियो बहुत सारे आप लोगों ने देखे होंगे YouTube पर, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा डिफरेंट बताऊँगा। तो ये मेरे साथ खुद के साथ जो हुआ है वही मैं यहाँ पर बताऊँगा कि मैं 99% लोगों को पैसे आ जाते हैं, लेकिन 1% लोगों को पैसे किस वजह से नहीं आते हैं, उस टॉपिक पर यहाँ पर मैं बात करूँगा, क्योंकि उस 1% में मैं खुद था, मेरे भी पैसे नहीं आए थे। तो मैंने क्या किया, क्या लास्ट में मैंने लास्ट उपाय मैंने क्या किया, उसके बारे में भी बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई भी पैसे पे नहीं करने पड़ते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए ऐसा होता है, बहुत से रीज़न होते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे रीज़न होंगे, बता दूँ आपको, जो आपके अकाउंट बैलेंस नहीं आने का मेन रीज़न, आपको सबसे पहले पहला रीज़न बता देता हूँ, स्विफ्ट कोड। आपने हो सकता है स्विफ्ट कोड वहाँ पे किसी, अभी आपको पता होगा सभी बैंक मर्ज हो चुके हैं, मतलब एक दूसरे से मिल गए हैं, तो हो सकता है वहाँ पे आपका स्विफ्ट कोड जो डाला हो वो ओल्ड स्विफ्ट कोड डाले होंगे, ये हो सकता है पहला रीज़न। अगर आपने सपोज मान लीजिए ये भी सही डाला है, तो फिर आपका रीज़न दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपने जो बैंक का डिटेल दिया है वो सही नहीं होगा, IFSC कोड आप एक बार जरूर चेक कर लीजिए और डिटेल भी चेक कर लीजिए, ठीक है, वो सेकेंड चीज़ बता रहा हूँ। थर्ड आपको बता रहा हूँ, थर्ड में अगर आप कहीं विलेज में, कोई भी गांव से, अब कस्बे में आप अगर वहाँ से अकाउंट खुलवाए हैं, ग्रामीण क्षेत्र से अकाउंट खुलवाए हैं, तो वहाँ पे आपको पता होगा कि आज के डेट में जो अकाउंट खुल रहे हैं, सबसे ज़्यादा अकाउंट खुल रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में, जनधन योजना वाला अकाउंट खुल रहा है। तो आपको बता दो, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि मेरे साथ जो अकाउंट खुला था, तो मेरा 15 दिन हो गए थे, मेरे अकाउंट में बैलेंस नहीं आए थे, वहाँ से मेरे यूट्यूब द्वारा पैसे रिलीज़ कर दिया गया था 21 को, लेकिन मैं 5 तारीख तक, मतलब 15 दिन हो चुके थे, फिर भी मेरे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है। तो अचानक एक दिन मैंने स्विफ्ट कोड भी सही डाला था, बैंक अकाउंट भी सही डाला था, और बैंक ऑफ बड़ौदा का डाला था मैंने, एक्चुअली वो पहले जो बैंक था मैं, वो देना बैंक था, लेकिन मर्ज होकर वो बैंक ऑफ बड़ौदा बन गया, ठीक है। तो मैं स्विफ्ट कोड वहाँ से तो लेकर सही डाला था। हाँ, आप स्विफ्ट कोड अब बोलेंगे कि स्विफ्ट कोड अब मैं सही कैसे डालूँ, हो सकता है आप स्विफ्ट कोड डालने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो आपको सीधा से बता रहा हूँ, किसी के बात मत सुनिए। अगर स्विफ्ट कोड आपको चाहिए तो सीधा आप गूगल में जाइए, गूगल सर्च में टाइप कर लीजिए, जैसे SBI का मुझे स्विफ्ट कोड चाहिए, आप जिस स्टेट में रहते हैं, ठीक है, तो आप सीधा वहाँ पर टाइप कीजिए SBI स्विफ्ट कोड बिहार, बिहार से हो तो SBI स्विफ्ट कोड UP, SBI स्विफ्ट कोड महाराष्ट्र, सीधा इतना टाइप कर लीजिए, ठीक है ना, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। किस ब्रांच का आता है, कोई भी स्टेट, बस स्टेट आपका होना चाहिए, किसी भी ब्रांच का आता, मेन ब्रांच का आना चाहिए, मेन ब्रांच का आएगा वहाँ पे, तो मेन ब्रांच आने के बाद वहाँ पे आपको क्या करना है, जो स्विफ्ट कोड मिलता है वो स्विफ्ट कोड को आपको डाल देना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर ब्रांच का, मतलब आपने गांव में कस्बे में आपने खुलवाया हो तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि उस ब्रांच का स्विफ्ट कोड रहता है, हर ब्रांच का स्विफ्ट कोड नहीं रहता, आपको बता दूँ, ठीक है ना। तो आप बिंदास आँख बंद करके गूगल पर सर्च कीजिए, जो मिलता है सबसे ऊपर वो स्विफ्ट कोड को आप डाल दीजिए, ठीक है। डालने के बाद अब बता रहा हूँ, वहाँ पे 1% लोगों का पैसा नहीं आता है, रीज़न इसलिए है कि वो खाता जनधन अकाउंट वाले का होता है, जनधन अकाउंट, और जनधन अकाउंट में कभी भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं होता है, ये मेरा मतलब एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अगर 99% के बाद भी आप 1% वाले में आते हैं तो इस कारण से आपका हो सकता है या होगा 1% में। तो मेरे तरफ से वहाँ से कॉल आया, मेरे मेन ब्रांच से कॉल आया, बोला कि आपके YouTube से पैसे आए हैं, वो पैसे को आपको जब तक आपके अकाउंट में नहीं जाएगा, जब तक आपने बैंक को नॉर्मल अकाउंट नहीं कर देते हैं, साधारण अकाउंट नहीं चेंज करते हैं, तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, मुझे पैन कार्ड और आधार कार्ड फिर से एक साइन करके मुझे बैंक में मेल करना पड़ा, और मेल कर देने के बाद वहाँ से एक रिक्वेस्ट लेटर लिखा, लेटर को भी मेल कर दिया, और वहाँ से मैंने जनधन अकाउंट को कन्वर्ट कर दिया, मैंने
साधारण अकाउंट में, तब वहां से जाके मेरे पैसे एक दिन में, एक दिन लगा, ओनली एक दिन, जब मैं साधारण अकाउंट बना दिया तो मुझे एक दिन में वो पैसे रिटर्न आ गए, मतलब SBI जो YouTube जो पैसे भेजे गए थे वो आ गए हैं। ठीक है, अभी और भी कुछ प्रॉब्लम होंगे तो वो भी बता देता हूँ। स्विफ्ट को डालने के बाद हो सकता है कि आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा कि आपका जो बैंक मर्ज हुआ है उसका जो मर्ज होने के बाद जो एक IFSC कोड आप डाले हो वो एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। और बाकी तो और भी जो वीडियो होगा, और भी कुछ नहीं हो रहा होगा फिर भी आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा तो जरूर मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, मेरा कांटेक्ट नीचे दे दूंगा, इस कांटेक्ट में जरूर मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है और कैसे आपके बैंक अकाउंट में पैसे वो आएंगे। तो बस वीडियो में इतना ही था दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक्स, और थैंक्स वॉचिंग फॉर माई वीडियो, थैंक यू, थैंक्स।